हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बसंत पंचमी के लिए बेसन का हलवा, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। ऐसे सूजी के हलवा तो सब लोग बनाते हैं, क्योंकि सूजी के हलवा बनाना बहुत ही आसान होता है, सब बना लेते हैं। पर बेसन का हलवा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के साथ आपको बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए बिना देर के बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घर की एक कटोरी ले रखी हूँ, कोई सा आप कटोरी या कप सेट कर सकते हैं। तब इसमें डालेंगे पौने कटोरी पानी। आप देख सकते हैं एक कटोरी में थोड़ा सा कम है ये पानी, तो यानी पौने कटोरी ये पानी है। पौना कटोरा मतलब 3/4, यानी 3/4 कटोरी ये पानी है। तो एक पतीला ले रखी हूँ, इसमें इस पानी को डाल देंगे। तो इस पानी में हमें चीनी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि हमें इसकी चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। इस पानी को सिर्फ उबालना है। तो पानी को हमने गैस पे रख दिया है उबलने के लिए। तब इसमें थोड़ी सी केसर की पत्तियां ले रखी हूँ, आप देख सकते हैं। तो थोड़ी सी केसर डाल देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें कलर भी डाल सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के लिए हम बना रहे हैं, तो इसमें बसंती कलर तो थोड़ा आना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं केसर डालने से कैसे इसका थोड़ा बसंती कलर आने लगा है। तो अभी हमने 3/4 कप ही पानी डाला है, जरूरत पड़ने पर बाद में और पानी हम डाल लेंगे। तब आप देख सकते हैं पानी में उबाल अच्छे से आ गया है। तब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो बेसन भी हम उसी कटोरी से हम लेंगे, एक कटोरी जिस कटोरी से हमने पानी लिया है, तो इसी कटोरी में मेजर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अब इसी कटोरी में 2 चम्मच सूजी डालेंगे, बारीक वाली सूजी है, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच ही हमें डालना है। तो ये सूजी और बेसन हमारा एक कटोरी हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसी बेसन में 2 चम्मच सूजी बारीक वाली डाल दिया है। आप चाहे तो मोटी वाली भी सूजी डाल सकते हैं, जो हलवे की सूजी होता है वही सूजी हमें 2 चम्मच ही डालना है। तो ये एक कटोरी पूरी सूजी और बेसन हो गई हमारी। तब इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी कटोरी से आधी कटोरी घी लिया है। तो घी को थोड़ा मेल्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं, इसे मेल्ट कर रखी हूँ मेजर करने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो आप देख सकते हैं सर्दियों के मौसम में घी अक्सर जम जाती है, तो इसीलिए घी को मेल्ट कर लिया है। तो आधी कटोरी घी हो गया हमारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आधी कटोरी चीनी ले लिया है, उसी कटोरी से नाप कर आधी कटोरी चीनी है हमारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून बादाम लिया है, और 2 पिंच छोटी इलायची का पाउडर ले लिया है, और थोड़ी सी पिस्ता, और 2 चम्मच हमें दूध चाहिए, तो इसमें से 2 चम्मच ही हमें हलवे में डालना है। तो सारे चीजें तैयारी हो गई है, चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो सारे चीजें हमारा तैयार है, तो चलिए बसंत पंचमी के लिए हलवा बनाते हैं। तो गैस पर पैन या कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे, और कढ़ाई को गर्म होने देंगे, और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी, और घी को हल्का गर्म होने देंगे, और इसमें बादाम डाल देंगे और इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि घी में भून कर बादाम डालने से हलवा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का रोस्ट करना है। तो बादाम हमारा हल्का रोस्ट हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अब इसे साइड में रखेंगे, और ये घी हमारा जो बचा है इसी में और घी डाल देंगे। तो सारे घी हमें अभी नहीं डालना है, आधी घी डालना है और आधी बचा लेना है। आप देख सकते हैं आधी घी डाल लिया है और आधी बचा लिया है। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और लो फ्लेम पे घी के अंदर बेसन और सूजी अपना डालेंगे। अभी आपको बेसन सूखी दिख रहा होगा, पर धीरे धीरे ये घी के साथ बेसन अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बेसन हमारा कितना सूखा सूखा लग रहा था, और अब देखिए अब ये कितना सॉफ्ट दिखने लगा है। तो बेसन के हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। कुछ टिप्स को आपको ध्यान देना जरूरी है, तो आपके बेसन के हलवा बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनकर तैयार होगा। और बेसन के हलवा बनाने के लिए कोई सा पैन या कढ़ाई लेते हैं तो उसका तले थोड़ा मोटा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे बेसन हमारा कितना सॉफ्ट होने लगा है। हलवा तो आप बहुत प्रकार के बनाए होंगे, खाए होंगे,
एक बार मेरे तरीके से ये बेसन के हलवा आप जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये बेसन के हलवा कैसी बनी। बसंत पंचमी में तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, कोई किसी घर में पुआ बनता है, किसी घर में मीठे चावल बन जाता है, बहुत प्रकार के मिठाइयां भी बनती है। पर आज मैंने बेसन के हलवा इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही बनाने में आसान है, बहुत आसान तरीके से आप घर पर बहुत जल्दी बना करके भोग लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले से बेसन हमारा कितना सॉफ्ट और गीला हो गया है। बेसन के हलवा बनाने में दो चीजों की आपको खास ध्यान रखनी होती है। जिस पैन या कढ़ाई में आप बेसन के हलवा बनाने वाले हैं उसके तले जो है मोटी होनी चाहिए और गैस जो है बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, फिर आपके बेसन के हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तब आप देख सकते हैं बेसन को भूनते हुए हमें करीब करीब 5 से 7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं बेसन हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं आधे घी हमने बचा लिया है, पूरा घी नहीं डाला है। अब आप देख सकते हैं बेसन हमारा करीब करीब 9 मिनट हो गया है भूनते हुए और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है भूनने का, बहुत अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है बेसन हमारा। तो ये ट्रिक से मैं आपको और बताने वाली हूँ इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये दूध लिया है इसमें से 1 टेबल स्पून हम दूध डालेंगे। इससे क्या होगा, जो हलवा है हमारा दानेदार बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आधी कटोरी चीनी लिया है वो हम अभी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं, अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा इससे भी कम कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। तो इसी टाइम चीनी डालने से क्या होगा कि चीनी हमारी घुलेगी नहीं और एकदम स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार होगी, क्योंकि चीनी भी बेसन के साथ भून भून कर कैरेमलाइज होगी और हलवा हमारा बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तब आप देख सकते हैं बेसन के साथ चीनी भी हमारा अच्छे से भून गया है। तब इसमें हम अपना केसर वाले पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया है। तो केसर वाले पानी डालने के बाद आपको धीमी आंच पे धीरे धीरे चलाना है ताकि हलवे में लम्स ना पड़े। पानी डालने के बाद धीरे धीरे चीनी भी घुलेगी और धीरे धीरे हलवा भी पकेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा हलवा बना है, आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि ये बेसन का हलवा है या सूजी का हलवा है। तो अगर आप अभी अभी सबके लिए सर्व कर रहे हैं तो हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप थोड़े देर बाद सर्व करने वाले हैं, थोड़े देर के लिए रखने वाले हैं हलवा, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा। अभी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। तब यहाँ पर आप देखिए 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, अभी हलवा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, देर तक छोड़ने के बाद भी हमारा हलवा ड्राई नहीं होगा। जैसे सूजी के हलवा में 3 गुना 4 गुना पानी लगता है, पर बेसन के हलवा में एक साथ ज्यादा पानी डालेंगे तो बिल्कुल दही जैसा बन जाएगा, इसीलिए इसमें एक साथ ज्यादा पानी नहीं डालना है। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालने के बाद आप देखिएगा हलवा कितना सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होगा। कितना देर के बाद भी आप सर्व करेंगे फिर भी आपके हलवा सॉफ्ट रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, बेसन अच्छे से भून लीजिए और अच्छे से भूनने के बाद इस तरीके से आप पानी डालिए तो हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तब आप देख सकते हैं हलवा हमारा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं कैसे कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो आप देख सकते हैं हलवा हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है। तब इसके ऊपर से थोड़ा सा बादाम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा बेसन का हलवा बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर से 1-2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना घी हमारा बच गया है, 1/2 कप घी हमने पूरा के पूरा डाल देते तो घी हलवे में ज्यादा हो जाता। तो चलिए अभी से सर्व करते हैं। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता डाल देंगे। तो ये लीजिए बहुत ही सॉफ्ट सा मुलायम सा बेसन का हलवा हमारा बनकर तैयार है। तो वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपकी बेसन की हलवा कैसी बनी, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।